ये लो। थैंक यू। दो तीन बार पहले भी आई हूँ। देख रही थी कि तुम कब उठती हो। क्यों, तुम क्यों आई? फरखंदा कहाँ है? फरखंदा की अम्मी बीमार है, वो गांव चली गई है। वो इंतजार करती रही, फिर मुझे बताकर चली गई। कह रही थी कि अम्मी ठीक हो जाएंगी तो आ जाऊंगी वापस। एक नई मुसीबत। अब फरखंदा चली गई तो घर के सारे काम कौन करेगा? तो जानती हो इस हालत में मुझसे इतना काम होगा ही नहीं। परेशान मत हो, कोई दूसरी ढूंढ लेंगे। कहां से देख लेंगे सोनिया, इतना आसान है क्या? उसकी मां इतनी काबिले भरोसा थी, वो गई तो फरखंदा को रखा। अब मुझे परेशानी हो रही है कि सारा काम करेगा कौन। परेशान मत हो, मिलजुल के कर लेंगे ना हम। हैं? अच्छा सोनिया, नाश्ता दे दो, बहुत चक्कर आ रहे हैं, उठा भी नहीं जा रहा। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। अच्छा सुनो, गर्मा गर्म आलू के पराठों के साथ रायता, हरी मिर्च और लहसुन की चटनी हो जाए ना तो मजा आ जाएगा, बड़ा दिल चाह रहा है। नायला, तुम्हारा जो भी खाने को दिल चाहे ना तो मुझे बता दिया करो, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। मैं अभी लाई। इस घर से तुझे ऐसे भगाऊंगी, जंगली बिल्ली की तरह तू अपने भाई के घर का रास्ता भी भूल जाएगी। मिसेस सोनिया अशफाक, बहुत लाडली थी ना तुम अपने शोहर की, तुम्हारी अकड़ी हुई गर्दन आज भी याद है मुझे। अब देखना क्या हशर करती हूँ मैं तुम्हारा।